of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun latitude is 30 degree and then when it was 60 degree. तो हाइट ऑफ टावर निकल बोलो टावर है ठीक है, उसका शैडो जो बनता है 40 मीटर ज़्यादा बनता है जब हम उसके एलिवेशन को 30 डिग्री पर देखते हैं, तो उसका मान लो कि शैडो ये एक्स है और ये हाइट ऑफ टावर एच है, तो 10-30 लगा देते हैं यहाँ पर, पहले बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 × H/x, तो ये हो जाएगा x = x√3, ये पहला हो गया। हम लोग दूसरे क्वेश्चन दूसरे सिचुएशन के लिए देखते हैं। ये हो गया हमारा हाइट तो टावर का वही रहेगा, अब क्या करता है इसका शैडो क्या हो जाता है x + 40 हो जा रहा है और इसका बढ़ के कितना हो जा रहा है 60। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ये मैं डाटा को लिख दे रहा हूँ, पर x = x√3 दिया हुआ है ठीक है, x√3 दिया हुआ है ठीक है। अब यहाँ पर 1060 लगा देंगे, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो h/x + 40, तो x + 40 = √3 h√3, h/√3 इसको ऊपर और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है h√3 है ना, और इसको हम अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपको h√3/3 ठीक है। हम x की वैल्यू पर यहाँ रख देंगे x की जगह पर, तो ये इक्वेशन हो जाएगा थोड़ा सा h√3 − h√3/3 ठीक है, और ये इक्वल में हो जाएगा −40। इसको अगर हम और भी एक्सटेंड करना चाहें तो ये हो जाएगा −40 हो जाएगा इससे कुछ, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3h − 2h/√3 2h√3/3 = 40 ओके, तो ये हो जाएगा 3h√3/3 = 20, तो h की वैल्यू हो जाएगी 20 × 3/√3, तो इसकी h की वैल्यू हो जाएगी 20√3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।